हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यदि आप वास्तव में अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश लिसनिंग यानी इंग्लिश को सुनना और पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंग्लिश सुनते हैं और कंटिन्यूस आप इंग्लिश रीडिंग करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक इंग्लिश के लिए तैयार होता रहता है और कई सारे नए शब्द उस दिमाग में जाते रहते हैं, जिससे आपका माइंड ऑटोमेटिक इंग्लिश कैचर करता है। यानी इंग्लिश का जो एक माइंडसेट है, एक आपके दिमाग में माहौल है, वो क्रिएट होता है। तो याद रखें, ग्रामर वगैरह तो आप पढ़ते रहें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनना है और इंग्लिश पढ़ना है। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको नई नई स्टोरीज लाता रहता हूँ और न्यूज़ से संबंधित कुछ ऐसे आर्टिकल लेके आता हूँ, उनका हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूँ। रीडिंग के साथ साथ आपको नए नए वर्ड्स और ग्रामर तमाम चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि आप छोटी सी कहानी के साथ साथ आप इंग्लिश को रीड करें और इसको मैक्सिमम सुने, ताकि आपका इंग्लिश का प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण और इंग्लिश की बोलने की जो गति है, स्पीड है, वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की जो छोटी सी कहानी है, स्टोरी है, उसका टाइटल है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर हम इसको चू पढ़ रहे हैं। चू, टी यू को कई बार च या चू पढ़ा जाता है। उसके साथ कौन सा वावल लगा है, इस पर ये वर्ड डिपेंड करती है। जैसे टी यू है, तो ज़्यादातर यही होता है कि जब टी के साथ यू आता है तो उसको हम चा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फ्यूचर हो गया, एडवेंचर हो गया, यहाँ पर पंक्चुअलिटी हो गया, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय की पाबंदी या फिर समय का पालन, समय की पाबंदी, ठीक है, या समय का पालन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट यानी इस पर देखो, दिस पिक्चर यानी यह पिक्चर, यह जो फोटो है, यह जो पिक्चर है, इस पर देखो, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट दैट थिंग, उस चीज़ पर देखो। तो आपको लुक के बाद ना एट लगाना है, ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द स्कूल वेल हैज जस्ट रंग एंड द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर रेडी टू बिगिन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स। द स्कूल वेल यानी स्कूल की घंटी हैज जस्ट रंग, अभी अभी बजी है। रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म है, रिंग यानी बजना या बजाना, जस्ट आने अभी अभी, ठीक है। हैज जस्ट रंग, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, यानी स्कूल की घंटी अभी अभी जस्ट बजी है या बज चुकी है, ठीक है। एंड द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स यानी कि शिक्षक और छात्र आर रेडी टू बिगिन, टू बिगिन शुरुआत करना, रेडी यानी तैयार, आर यानी है। तो शिक्षक और बच्चे शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। क्या शुरुआत करने के लिए? देयर मॉर्निंग प्रेयर्स। देयर मतलब होता है उनके या अपने, ठीक है, उनके या अपने। तो सुबह की प्रार्थना, प्रेयर करने के लिए बच्चे और शिक्षक तैयार हैं। ऑल द चिल्ड्रन आर हियर आर गैदर्ड फॉर द स्कूल असेंबली। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे हियर यहाँ पर, आर गैदर्ड, गैदर्ड मतलब इकट्ठे, आर यानी हैं, तो इकट्ठे हैं फॉर द स्कूल असेंबली, स्कूल की सभा के लिए। असेंबली यानी सभा, फॉर यानी के लिए, तो स्कूल की असेंबली के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दे हैव कम इन टाइम टू स्कूल, वे समय पर विद्यालय आए हैं। दे हैव कम, दे यानी वे हैव कम, आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कम यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, कम केम
कम, इस तरह से कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम केम कम। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसलिए इसमें कम थर्ड फॉर्म है। इन टाइम मतलब होता है समय में, ठीक है, समय में। एक होता है ऑन टाइम, ठीक है, तो ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पर, जो समय निर्धारित था उसी टाइम पर। और इन टाइम मतलब होता है समय के अंदर, यानी जो 4 बजे का टाइम दिया गया है तो उसके पहले ही 3:30 या 3:20 पर पहुंच गए, तो वो समय में कहलाता है इन टाइम। और अगर बिल्कुल 4 बजे पहुंच रहे हैं फिक्स, ठीक है, 1-2 मिनट आगे पाछे, तो उसको बोलते हैं ऑन टाइम। तो ये ध्यान रखें इन टाइम और ऑन टाइम में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, राइट, ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, ग्रामर के साथ साथ नए नए वर्ड्स भी, प्रीपोजिशन भी। बट अनिल हैज कम लेट, लेकिन अनिल लेट आया है, देर से आया है, ठीक है, हैज़ कम लेट। यहाँ पर भी कम थर्ड फॉर्म है, कम केम कम। हैज़ हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। चलिए, ही वॉज ट्राइंग टू गेट इन क्वाइटली फ्रॉम द बैक। ही वह वॉज ट्राइंग, प्रयास कर रहा था, टू गेट इन मतलब अंदर जाना, टू गेट इन अंदर जाना, क्वाइटली चुपके से, फ्रॉम द बैक यानी पीछे से, फ्रॉम आने से, बट द प्रिंसिपल टोल्ड हिम टू स्टे आउट, लेकिन प्रिंसिपल ने, प्राचार्य ने टोल्ड हिम, उसे कहा, टोल्ड यानी कहा या बताया, ठीक है, हिम यानी उसे, स्टे आउट, स्टे आउट मतलब कि वहीं पर ठहरना, बाहर, स्टे आउट मीन्स बाहर ठहरना। सिंस ही इज ऑफन लेट, सिंस यानी चूंकि, चूंकि वह अक्सर लेट होता है, ओके, ऑफन यानी होता है अक्सर या प्रायः, तो वह अक्सर लेट रहता है, है ना। टुडे ही इज बीइंग पनिश्ड फॉर इट एज ही डिस्टर्ब्स ऑल द चिल्ड्रन बाय कमिंग इन लेट। टुडे, आज, ही इज बीइंग पनिश्ड, उसे पनिश किया जा रहा है यानी दंड दिया जा रहा है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, इसमें इज एम आर के बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पनिश्ड, इसका मतलब होता है ऐसा किया जा रहा है, इज बीइंग पनिश्ड, उसे दंड दिया जा रहा है, फॉर इट एज ही डिस्टर्ब्स, फॉर मतलब के लिए, इट यानी यह है, एज यानी होता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जब सेंटेंस के बीच में एज का प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है क्योंकि, एज, क्योंकि वह डिस्टर्ब करता है, ही डिस्टर्ब्स, वह डिस्टर्ब करता है ऑल द अदर चिल्ड्रन, बाकी अन्य बच्चों को, ऑल द अदर यानी सब, ऑल द अदर मतलब कि जो बाकी और बच्चे बचे हैं उन सभी चिल्ड्रन को, बच्चों को वो डिस्टर्ब करता है, बाय कमिंग इन लेट, देर में, या आप कहेंगे देर से आकर, बाय कमिंग यानी आकर, जैसे बाय प्लेइंग, खेल कर, बाय कमिंग, आकर, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि ऐसा करके, बाय कमिंग लेट, आके वो बच्चों को डिस्टर्ब करता है। अनिल फील्स असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, अनिल महसूस करता है, अनिल फील्स असेम्ड ऑफ मतलब होता है किसी से शर्मिंदा होना, असेम्ड शर्मिंदगी महसूस होना, उसके बाद आप ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे असेम्ड है ना, असेम्ड ऑफ, ऑफ के बाद आप लगाते हैं जिससे आपको शर्मिंदगी है। हिमसेल्फ यानी वह खुद, यानी उसे खुद से क्या है, शर्मिंदगी है, या शर्मिंदगी वह महसूस करता है खुद पर। बिफोर ऑल द अदर स्टूडेंट्स एज ही इज बीइंग पनिश्ड,
बिफोर मतलब होता है पहले या सामने, आप याद रखें बिफोर का दोनों मतलब होता है, पहले या सामने। जैसे बिफोर मी मेरे सामने, बिफोर हिम उसके सामने, बिफोर ऑल द अदर स्टूडेंट्स तो बाकी जो अन्य छात्र थे उनके सामने, एज आने क्योंकि ही इज़ बीइंग पनिश्ड, क्योंकि उसे दंड दिया जा रहा है। ओके, इज बीइंग पनिश्ड, दंड दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उस बच्चे को प्रिंसिपल ने बाहर रोक कर रखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनिल इज गुड एंड क्लेवर, अनिल अच्छा है और चतुर है। ठीक है, अनिल अच्छा और चतुर है, गुड एंड क्लेवर। ठीक है, क्लेवर मीन्स चतुर, तो वह अच्छा और चतुर है। लेकिन बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बट लेकिन बिकॉज क्योंकि ही इज ऑलवेज लेट, क्योंकि वह हमेशा लेट होता है। ऑलवेज यानी हमेशा, लेट यानी देर। ठीक है, आप समझते हैं बहुत कॉमन वर्ड है, हर कोई जानता है इस वर्ड को, लेट यानी देर होना, देर करना। एवरी वन थिंक्स ही इज लेजी, लेजी यानी कि हर कोई सोचता है या हर किसी को लगता है। एवरी वन यानी हर कोई, थिंक्स यानी सोचता है या उसे लगता है, ही इज लेजी कि वह लेजी है यानी आलसी है, लेजी यानी आलसी। तो हर किसी को लगता है कि वह आलसी है। हिज फ्रेंड्स टीज हिम एंड कॉल हिम अ लेट कमर, उसके मित्र, हिज फ्रेंड्स, हिज यानी उसके, उसके मित्र उसे चिढ़ाते हैं। टीज यानी होता है चिढ़ाना या खिजाना। ठीक है, चिढ़ाना या किसी को तंग करना, तो उसे, उसके मित्र उसे चिढ़ाते हैं। एंड कॉल, कॉल मतलब पुकारना, और उसे पुकारते हैं, क्या कह के पुकारते हैं, लेट कमर यानी देर से आने वाला, उसको बोलते हैं लेट कमर, मतलब कि देर से आने वाला। तो यह कहकर बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। वेन एवर अनिल अराइव्स लेट फॉर स्कूल, वेन एवर मतलब जब कभी अनिल आता है, अराइव यानी होता है आना या पहुंचना। ठीक है, अराइव का खास मतलब एक्चुअल में होता है पहुंचना, जैसे ट्रेन अराइव होती है, ठीक है ना, बसेस अराइव करती हैं, पहुंचती हैं। तो जब कभी, वेन एवर अनिल अराइव्स, अनिल पहुंचता है लेट देर से फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, ही मिसेस द मॉर्निंग असेंबली, वह मिस कर देता है यानी वह चूक जाता है। मिस कर देना मतलब कि चूक जाना, तो वह चूक जाता है मॉर्निंग असेंबली से, सुबह की जो सभा है, असेंबली है, उससे चूक जाता है। ही एनोयज द टीचर्स, एनोय मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है, या परेशान करना, नाराज करना, नाराज करना ज़्यादा अच्छा होगा इस वर्ड के लिए। ही एनोयज, वह नाराज करता है द टीचर्स यानी शिक्षकों को, बिकॉज क्योंकि ही डिस्टर्ब्स करता है यानी उन्हें जो है, उनके जो बच्चे हैं उनकी अटेंशन को, उनकी आदतों को भी वो डिस्टर्ब करता है, बेकार करता है। ठीक है, ही द क्लास व्हेन ही कम्स लेट यानी जब वह लेट आता है तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, वो भी जो है उनके बारे में सोचने लगते हैं कि ये लेट आता है, और जो है शिक्षक इसे दंड नहीं करते, ये तमाम बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं। तो वेन यानी जब, ठीक है, कम्स लेट देर से आता है, कम्स आता है, ठीक है, डिस्टर्ब्स डिस्टर्ब करता है, एनोय करता है, एनोय यानी कि उन्हें
नाराज़ करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद यानी कोई भी जो नाम है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, जब सेंटेंस से पहले आता है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे ही अनॉयज, ठीक है, ही प्ले, ही प्लेज, दे प्ले, यू सिंग, यू वॉच, है ना, दे वॉच। तो ये सेंटेंस दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है और इसकी हिंदी निकलती है ता है ती है। क्या निकलती है? ता है, यानी वो खेलता है, खेलता खेलती है, नाराज करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप जानते भी होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो टेंस की समझ भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। He also spoils the discipline in the school. He यानी वह, also मतलब भी, spoil मतलब होता है ख़राब कर देना या गंदा करना। तो अब यहाँ पर spoil first form है जो मैं आपको अभी बता रहा था, तो इसका मीनिंग होगा गंदा करता है या ख़राब करता है। तो वह स्कूल में, विद्यालय में अनुशासन को भी ख़राब करता है। डिसिप्लिन यानी होता है अनुशासन, ठीक है, इन द स्कूल, विद्यालय में। तो वह विद्यालय में डिसिप्लिन को, अनुशासन को भी स्पॉइल करता है, ख़राब करता है। मोर ओवर एज ही इज़ नॉट प्रेजेंट, मोर ओवर मतलब होता है इसके अलावा, मोर ओवर इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अलावा। He is not present, वह उपस्थित नहीं रहता। As यानी होता है क्योंकि या जैसे, as, ठीक है, as का दोनों मतलब होता है, जैसे या क्योंकि। तो इस बात को ध्यान रखें आप, क्योंकि भी आप निकाल सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। He is not present, तो वह प्रेजेंट नहीं रहता, वह उपस्थित नहीं होता है फॉर द। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या आता है। होल लेसन ही विल नॉट बी एबल टू शो मच प्रोग्रेस इन हिज वर्क। होल लेसन मतलब पूरा पाठ। ही विल नॉट बी एबल, वह योग्य नहीं होगा या वह सक्षम नहीं होगा। बी एबल मतलब होता है सक्षम होना या योग्य होना। तो विल नॉट बी एबल, सक्षम नहीं होगा, टू शो ये दिखाने के लिए, सो यानी दिखाने के लिए, मच प्रोग्रेस यानी ज़्यादा विकास या ज़्यादा प्रोग्रेस, इन हिज वर्क अपने काम में, ठीक है, हिज वर्क अपने काम, इन यानी में, तो वह अपने काम में ज़्यादा प्रोग्रेस, ज़्यादा विकास जो है नहीं दिखा पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा लेसन लेने के लिए प्रेजेंट नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रहता है। बट आ स्टूडेंट Who is punctual is free from unnecessary tension and worry. लेकिन एक छात्र, who is punctual, जो punctual है यानी कि समय का पाबंद है, punctual मतलब समय का पाबंद या समय पर रहने वाला, किसी काम को समय पर करने वाला, who यानी जो, तो जो punctual है, जो समय पर है, इज़ फ्री फ्रॉम अननेसेसरी टेंशन। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, अनावश्यक या गैर जरूरी, ठीक है, तो वो गैर जरूरी टेंशन यानी चिंता, वरी यानी चिंता या परेशानी, ठीक है, तो फालतू की यानी अननेसेसरी, अनावश्यक चिंता और टेंशन से वह फ्री रहता है, मुक्त रहता है। कौन रहता है? जो पंक्चुअल है, हु इज़ पंक्चुअल। He is always calm and self-confident. Calm, यहाँ पर L silent है, calm. He is always calm, वह हमेशा शांत रहता है, calm मतलब शांत। Self-confident यानी आत्मविश्वासी या आत्मविश्वास होना, तो वह हमेशा calm and self-confident रहता है, यानी शांत और आत्मविश्वासी रहता है जो पंक्चुअल होता है, जिसे समय की पाबंदी रहती है। ही विंस
द रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स ईजली। ही विन्स, वह जीतता है। विन यानी जीतना, विन्स यानी जीतता है ना, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। वह जीतता है, विन यानी जीतना। द रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, क्या जीतता है वो? रिस्पेक्ट यानी सम्मान, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास ऑफ अदर्स, दूसरों का। ईजली मतलब आसानी से, तो वह दूसरों का, ऑफ अदर्स ईजली आसानी से उनका रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस जीतता है, जो विश्वासी होता है, जो पंक्चुअल होता है। तो ये बातें आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है, राइट। चलिए, अनिल हैज़ टू लर्न टू रीच इन टाइम। हैज़ टू लर्न मतलब कि उसे सीखना है। जैसे आप बोलते हैं मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू लर्न इट, यदि मुझे इसे सीखना है। तो जो सब्जेक्ट होता है ही सी इट नेम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, हैज़ टू का, ठीक है, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। तो अनिल हैज़ टू लर्न यानी अनिल को सीखना है, टू रीच यानी पहुँचना, इन टाइम समय में पहुँचना अनिल को सीखना है। इफ़ ही वॉन्ट्स अदर पीपल टू रिस्पेक्ट हिम, इफ़ यानी यदि, ही वॉन्ट्स यानी वह चाहता है, अदर पीपल अन्य लोगों को, टू रिस्पेक्ट हिम, हिम यानी उसे, उसे अगर वो चाहता है कि उसे जो अदर पीपल है रिस्पेक्ट दे, उसका सम्मान करें, तो उसे समय पर यानी समय में होना उसे सीखना है, यानी समय में कहीं जाना है, पहुंचना है, समय में काम करना है। अगर आप किसी से वादा किए हैं तो उसको अगर समय में आप कर लेते हैं तो लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। ही मस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल। मस्ट मतलब होता है जरूर, चाहिए, कोई काम आपको जरूर करना चाहिए, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, तो जरूर चाहिए। ही मस्ट ट्राई, ट्राई मतलब प्रयास करना, तो उसे जरूर प्रयास करना चाहिए टू बी पंक्चुअल, पंक्चुअल होने के लिए, टू बी यानी होना, पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद, तो उसे समय का पाबंद होने के लिए जरूर सीखना चाहिए, जरूर प्रयास करना चाहिए। नॉट ओनली एट स्कूल, नॉट ओनली मतलब कि ना सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ, एट स्कूल स्कूल पर, ना सिर्फ स्कूल पर बट बल्कि वेयर एवर ही गोज, जहाँ कहीं वह जाता है, वेयर एवर जहाँ कहीं, ही गोज वह जाता है। ही मस्ट लर्न, उसे जरूर सीखना चाहिए, टू राइज अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, जल्दी उठना, राइज मतलब होता है उठना, तो उसे जल्दी उठना सीखना चाहिए। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल क्विकली, और जल्दी से स्कूल पहुंचने के लिए उसे तैयार होना भी सीखना चाहिए। गेट रेडी यानी तैयार होना। डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो क्या आप जानते हो, दैट कि अ बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। एक युद्ध, बैटल मतलब युद्ध, एक युद्ध लॉस्ट यानी कि खो गया, बिकॉज यानी के कारण, ऑफ लैक ऑफ यानी होता है के कमी से, किसकी कमी से, पंक्चुअलिटी की कमी से। तो क्या आप जानते हैं कि एक बैटल, एक युद्ध पंक्चुअलिटी यानी समय की पाबंदी की वजह से हारा गया, वॉज लॉस्ट मतलब कि लॉस्ट हो गया यानी कि हार गया। अब कौन हारा, कैसे हारा, आइए हम आगे बात करते हैं कि जो बैटल है, जो युद्ध है, आखिर किसने हारा है, राइट। अब याद रखें कि दोस्तों एक बात और कि जो ये लॉस्ट आया है ये एक्चुअल में लूज का थर्ड फॉर्म है, लूज लॉस्ट लॉस्ट। लूज मतलब होता है खो देना, खो देना, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इन द बैटल ऑफ वाटरलू, आइए देखते हैं कि ये किस युद्ध की बात हो रही है। इन द बैटल ऑफ वाटरलू, तो वाटरलू के युद्ध में, ऑफ यानी के, ठीक है, इन यानी में, तो वाटरलू के युद्ध में, बिटवीन यानी बीच में, तो किसके बीच हुआ था, नेपोलियन ऑफ
फ्रांस एंड द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो नेपोलियन नाम तो आपने सुना होगा, ये एक्चुअल में फ्रांस का एक राजा था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। वेलिंगटन देश का, वेलिंगटन राज्य का एक ड्यूक था। ड्यूक मतलब एक्चुअल में शासक होता है, ठीक है, जो कि शायद इंग्लैंड में एक पदवी होती है शासक की, ड्यूक, उसको ड्यूक कहते हैं, ठीक है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो वेलिंगटन का ड्यूक शासक के बीच और नेपोलियन के बीच एक युद्ध हुआ। वेलिंगटन अराइव्ड अर्ली ऑन द बैटल फील्ड। वेलिंगटन बैटल फील्ड पर यानी युद्ध के मैदान पर जल्दी अराइव हो गया था, जल्दी आ गया। बट नेपोलियंस जनरल ग्राउची वॉज लेट। बट लेकिन नेपोलियन का जो जनरल ग्राउची था वो लेट था, वॉज लेट यानी कि देर था, वो युद्ध के मैदान में आने में देरी कर दिया था। इन रीचिंग द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में, ठीक है, युद्ध के मैदान में पहुंचने में, रीच यानी पहुंचना, तो पहुंचने में उसने लेट किया था। व्हेन वेलिंगटन सॉ, जब वेलिंगटन ने देखा, सॉ यानी देखा, सॉ क्या है दोस्तों, सी का सेकंड फॉर्म है, सॉ सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो जब वेलिंगटन ने देखा दैट द फ्रेंच सोल्जर्स हैड नो लीडर, जो फ्रेंच यानी फ्रांस के सोल्जर है उनके पास कोई भी लीडर नहीं था, हैड नो लीडर मतलब कि उनके पास एक नेतृत्व करने वाला एक जो लीडर होता है वो नहीं था। दे सीम्ड अफ्रेड, वे डरे हुए दिखे, सीम्ड यानी दिखे, सीम यानी होता दिखना, अफ्रेड यानी डरा हुआ, दे यानी वे, तो वे डरे हुए दिखे, ठीक है, एंड वरीड और चिंतित दिखे, कैसा दिखे, चिंतित दिखे। ही अटैक्ड एंड वन द बैटल, तो वेलिंगटन ने अटैक कर दिया यानी आक्रमण कर दिया और बैटल को यानी युद्ध को जीत लिया, विन वन वन, जीत लिया, ठीक है। दस इस तरह से, दस यानी इस तरह से द बैटल वॉज वन, युद्ध जीता गया, ओके, बैटल वॉज वन, युद्ध जीता गया, और यहाँ पर क्या था, बैटल वॉज लॉस्ट, युद्ध हारा गया। तो एक्चुअल में ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। बा यानी के द्वारा, तो किसके द्वारा जीता गया, वेलिंगटन के द्वारा जीता गया। ओनली बिकॉज जनरल ग्राउची अराइव्ड लेट, ओनली बिकॉज मतलब होता है कि सिर्फ वजह से, सिर्फ के वजह से, तो किसकी वजह से, बिकॉज यानी होता है क्योंकि या के कारण। तो जो जनरल ग्राउची था, ठीक है, वो लेट आया, अराइव्ड लेट, लेट आया, देर से आया, इस वजह से युद्ध हारा गया, ठीक है, और वेलिंगटन युद्ध को जीत लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े युद्ध जो है पंक्चुअल न होने की वजह से, ठीक है ना, हार जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ज़िंदगी भी ऐसी है खुद, है ना, कि आपको अगर जीतना है, आपको कुछ भी अच्छा हासिल करना है तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको हर दिन इंग्लिश की रीडिंग करनी चाहिए, सुनना चाहिए और राइटिंग करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हर चीज़ में ये नियम लागू होता है। Hence, hence यानी इस कारण से या इसलिए, ठीक है, इसके दोनों मतलब होते हैं, इसलिए या इस कारण से। वी सी, हम देखते हैं कि इवन ग्रेट बैटल्स कैन बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ पंक्चुअलिटी। इवन मतलब भी, ग्रेट बैटल्स यानी महान युद्ध भी लॉस्ट हो सकते हैं, कैन बी हो सकते हैं, यानी हारे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी के कारण, यानी कि समय की पाबंदी जो होती है। एक्चुअल में इस वर्ड के आगे लगा है अन, पंक्चुअलिटी और अनपंक्चुअलिटी उसी का उल्टा है, मतलब पंक्चुअल ना होना, समय की पाबंदी ना होना, है ना, उसकी वजह से युद्ध भी हार जाते हैं लोग। तो देखिए, ज़िंदगी में तो बहुत ऐसे काम होते हैं छोटे मोटे,
वहाँ पर आपको पंक्चुअल होना बहुत ही अनिवार्य होता है। चलिए आइए थोड़ी सी एक चीज़ समझते हैं, है ना, कि पंक्चुअलिटी का और भी लाइफ में क्या महत्व होता है। वॉट एवर यू हैव टू डू, देखिए वॉट एवर मतलब होता है जो कुछ भी, वॉट एवर यू हैव टू डू, आपको करना हैव टू डू करना है, ठीक है, हैव टू गो जाना हैव टू प्ले खेलना है, तो इसके दो मतलब होते हैं, करना है या करना पड़ता है। अब याद रखें इसको, आप नोट कर सकते हैं, हैज़ टू डू करना पड़ता हैज़ टू प्ले खेलना पड़ता हैज़ टू गो जाना पड़ता है, ठीक है। डू ऑन टाइम, ये आपको समय पर करना पड़ता है, समय पर आ गया ना ऑन टाइम, तो इन टाइम और ऑन टाइम के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि समय पर और समय में, ठीक है। सो यू विल प्लीज गॉड एंड मैन, सो मतलब होता है इसलिए या ऐसे, आप ईश्वर को और आदमियों को जो है प्लीज करेंगे, मतलब कि प्रसन्न करेंगे। प्लीज का दूसरा मतलब होता है किसी को प्रसन्न करना या खुश करना, ठीक है, खुश करना, हैप्पी बनाना। तो याद कर लें, लोग बोलते हैं ना प्लीज प्लीज, तो प्लीज एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है खुश करना किसी को या प्रसन्न करना, कहते ना कि ही प्लीज्ड मी, उसने मुझे प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। तो विल प्लीज, इसमें फ्यूचर है, विल लगा हुआ है तो फ्यूचर की बात हो रही है, आप ऐसा करेंगे तो आप ईश्वर को, गॉड को और मैन, मैन क्या है, मैन का प्लूरल है, तो आप आदमियों को भी प्रसन्न करेंगे। ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, कंट्री यू विल अचीव, ठीक है, ग्रेट थिंग्स यानी महान चीज़ें, फॉर गॉड यानी ईश्वर के लिए और कंट्री के लिए, देश के लिए, यू विल अचीव, आप अचीव करेंगे, आप प्राप्त करेंगे, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। अब यहाँ पर विल का प्रयोग है जिससे फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, ऐसा मालूम पड़ता है, ठीक है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही तो सारी बात समझ में आती है, तो दोस्तों इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। विल और सेल का जब कहीं प्रयोग खास कर तो वहाँ पर गा गी गे यानी फ्यूचर की बात होती है। यू विल अचीव, तो आप अचीव करेंगे, आप हासिल करेंगे। एटर्नल रिवार्ड यू विल फाइनली रिसीव, एटर्नल मतलब होता है दोस्तों अमर, एटर्नल अमर या अनंत, अनादि, इसके ऐसे मतलब होते हैं। रिवार्ड यानी कि ऐसे आप अनंत रिवार्ड यानी पुरस्कार यू विल फाइनली रिसीव, तुम अंततः अचीव करोगे, ओके। यू विल रिसीव, रिसीव मतलब ये होता है प्राप्त करना, ठीक है। फाइनली यानी अंततः, तो आप अंततः इस तरह से अनंत, कई सारे इटर्नल रिवार्ड्स, अनंत पुरस्कार आप रिवार्ड हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आई होप दैट दोस्तों ये जो कहानी है पंक्चुअलिटी के बारे में आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।